इत्तेफाक वजीर आला है जो कि चिट्ठी अनपढ़ है, जो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किया और कितने लोटे उसको चाहिए? मेरे लीडर को तो तारीख एक बहादुर लीडर के नाम से याद रखेगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बूट चाट के नाम से याद रखेगी। आपने बूट चाटे, जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के अकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर सुखलंदन और ज्यादा भाग चुकी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार है। मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। बातें तो इमरान खान के खेलने की वजह से और बेबाक करते हैं तहसील से, जो इस वक्त बड़ी शोखियां मार के गए थे अपनी 26 आईनी तरमीम के ऊपर और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातिब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने जमीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए, आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडिसिटी टू स्पीक हियर, लोगों को अगवा करने के बाद, तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूं कि सर इन्हीं की एक टिकटॉक वजीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मैं शराफत अली से हार चुकी हैं, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं पीएमएलएन से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन इमरान खान आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख ले, वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा पीछे नहीं खड़ा था। अगर आपका गिला आपके लीडर को आपकी पार्टी से है तो आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। और सर दूसरी बात यह कि आपने कहा कि जिस जमीर के मुताबिक फैसला किया आपने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात जरा गौर से सुने। मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूं, मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के खयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूं। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दों की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है, मेरे में तो इतनी जरूरत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहाँ आके खड़े होकर आपकी फसायत का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती, तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के अकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर सुखलंदन और ज्यादा भाग चुके होते। तो ताना उसको मारे जो आप बर्दाश्त भी कर सके। आपने अदलिया के पर काट दिया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट का आपने नीचे दे दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार है। एक बंदा भी वोट लेकर नहीं आया हुआ है, एक बंदा भी वोट की ताकत से नहीं आया, सब के साथ फॉर्म 47 के पैदावार है, उसके नीचे इन्होंने अदलिया के पर काटने की कोशिश की है। बड़ी आप शोखियां मारती 26 आईनी तरमीम के ऊपर, आपने गरीबों के लिए उनका पेट भरने के लिए कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद लोग आपको पजीराई देते। आपने भूखे नादारों के लिए कोई इंसाफ देने के लिए, आपने लोगों के गरीबों के लिए, आवाम के लिए आपने कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद आपका लोग साथ देते, लेकिन नहीं। सर ये अभी बता सकते हैं कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद का दुनिया के कैपिटल में कौन सा नंबर है? आखिरी नंबर भी नहीं है सर, क्योंकि अब अगर आप इस्लामाबाद की तस्वीरें निकालेंगे तो सर आपको मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन के मनाजर नजर आएंगे। इस्लामाबाद को जिसमें तमाम दुनिया ने एक कैपिटल जिसको फॉलो करना हुआ था सर, उसको तो इन्होंने अबडक्शन का अड्डा बना दिया है पीडीएम की हुकूमत ने। वहां तो सर उन्होंने लोगों अगवाकारी का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है, वहां सर पगड़े उछालने का अड्डा बना दिया है, लोगों की बहनें बेटियों को अगवा करने का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है। सर कोई इनको ख्याल है कि इस्लामाबाद का इमेज या पाकिस्तान का इमेज इन्होंने क्या कर दिया है? सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए अपनी बीवियों के तो जो हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं सर, दूसरों की बहनों बेटियों को अगवा करते हैं, उनकी चादरें उतारते हैं, पार्टी खवातीन के ऊपर हमला करते हैं। सर दिल नहीं भरा कि इनका इमरान खान जैसे बड़े लीडर को जिसने जरिया दिया, जिसने शोर दिया, आपने उसको जेल की काल कोठरी के अंदर रखा, आइसोलेशन में रखा, आप चाहते हैं वो गुमनामी में रहे। उनकी बेगम साहिबा को आपने नाहक जेल के अंदर डाला, फिर आपने अलीमा खान को, उनकी बहनों को, आपने उज़्मा खान को जो उनकी जद्दार बहन है, आपने उनको भी जेल के अंदर डाल दिया। तशरीफ रखे, नो क्रॉस टॉक, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनके चिखने चाखने से काम नहीं होगा। अगर इनको 26वें आईनी तरमीम के जरिए पीडीएम की हुकूमत को कोई पजीराई मिली है ना, तो वो लोगों के बच्चों को अगवा करने से मिली है, उनके नाखून खींचने से मिली है, बहनों बेटियों को जो है वो जेल में डालने से मिली है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पीटीआई खत्म हो गई है, आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो मेरा लीडर तो इस मुल्क से नहीं भागा आपकी तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने प्लेटलेट्स गिरा के बहाना बना के।
मेरे लीडर को तो तारीख एक बहादुर लीडर के नाम से याद रखेगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बूट चाट के नाम से याद रखेगी। आपने बूट चाटे, आप लोगों को अखवा किया, पार्लियामेंटेरियंस नहीं लेंगे माशाल्लाह, चार लोगों की मैं आए पहले बैठा हुआ होगी और आप उनको पार्लियामेंट की फिक्र है। बात करें सर, मैं आखिरी बात आपसे सवाल करती हूँ कि अगर इतनी पार्लियामानी उसकी आपको फिक्र है, सर आप भी सेवान मुंतखिबों के आए, अगर आपको आपकी कमरे से अगवा करके घसीट के लेकर जाया जाए, आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाए काली, आपको दहशतगर्दों के सरगर्दों की तरह आपके मुंह के ऊपर भी काली चादर डाली जाए, तो सर आप क्या नोटिस लेंगे? आपके अवान में लोगों के साथ ये हो रहा है लेकिन आप लोगों को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपसे यहाँ पे सवाल सिर्फ ये करते हैं कि ये आपकी आईनी तरमीम के बदले आपकी पजीराई नहीं हुई, ये आपका तारीख में सियाह धब्बे के ऊपर नाम लिखा जाएगा। इमरान खान को अपने एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह ये 26 आईनी तरमीम आपको गले पड़ेगी। इमरान खान की पार्टी मजबूत है, इमरान खान तो इतना बहादुर है कि जेल से कहता है तो लाखों लोग उसके लिए बाहर आके खड़े हो जाते हैं। आपकी तो कुलसुम नवाज जब गाड़ी के अंदर हवा में लहरा रही थी ना ट्रेन के जरिए, तो एक वर्कर भी आपका बाहर नहीं निकला था। हमारे तो परमन लोग, आप हर शख्स के ऊपर लाखों के लिहाज से थोक के लिहाज से आप दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे रहते हैं। मैं सलूट पेश करती हूँ अपने तमाम एमएनएस का कि आप बिके नहीं, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं है और अपने बहादुर लीडर इमरान खान का आपने साथ दिया। ठीक है दादा कुल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अभी देखें पार्लियामेंट हाउस इतनी बड़ी हमारी मुकद्दर जगह है पाकिस्तान की, जहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं अवाम के, लाख डेढ़ लाख वोट लिख के कम अज कम, लेकिन उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया, उसकी वैल्यू को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बैठे हैं बूट चार्ट सारे, वहाँ बैठ के हैं बूट चार्ट, हाँ जो फॉर्म 47 की पैदाइश है, और देखें ऊपर से आने तरमीम कर दी लोगों ने, और तो कुछ कर नहीं सके अवाम के लिए, कोई अवाम के लिए कोई फ़ायदे का काम करते, कोई मुल्क का नाम रोशन करते, वो तो कर नहीं सकते, क्यों खुद ही करप्ट हैं ये, जब खुद ही दोनों से आए तो क्या करेंगे, दोनों को दो नंबर काम करने हैं ना, जो बंद दोनों से आता है दोनों पर काम ही करते हैं, तो उन्होंने आईनी तरमीम कर डाली। वो क्यों की? वो इसलिए कि ये अपने जो उनके खाते हैं डाके डाले हैं ना लूट मार किए उनको छुपा सके। अभी जैसे शेट्टी को कत्ल करवाए लोगों ने और भी काफ़ी ऐसे जुलमना किए होंगे जिन पर पैटा डालना था, तो आईनी तरमीम की बहुत ज़रूरत थी। अब वहाँ भूख हमारी है, महंगाई ने खतरनाक कर दिया, हमेशा तबाह हो गई है, मुल्क का बड़ा हाल हो गया, इसके लिए कोई आईनी तरमीम नहीं की, हम खुश ना हों यहाँ जमीन की है अपने ख़ानदान के लिए, अपने आप के लिए, अपनी दाद के लिए सब कुछ करें। ये यहाँ पे आते हैं सिर्फ वोट लेने हमसे, अभी वो भी नहीं आएंगे क्योंकि आज फिर भी को हमने देख लिया ये वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ये इलेक्शन ड्रामा होता है, जमहूरियत यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे अमरीत है, आरतों रात दल बन जाते हैं, आरतों रात वोट ही भर जाते हैं। हमने देखा शाम 5 बजे तक 8 फरवरी को इमरान खान मेजोरिटी के साथ जीत रहा था, मैंडेट सारे इमरान खान के साथ था, लेकिन रात को उन्होंने कोई ड्रामा किया, हाँ जमहूरियत वहाँ पे सो गई, वहाँ पे अमरीत आ गई और वहाँ पे लोगों ने वो देखें फॉर्म 47 तैयार कर लिए, जिससे इमरान खान का खाता साफ कर दिया और अपनी पीटीएम से वो आ गए थे। अभी इसे कमाल कर इन लोगों ने, अभी हम इतने पकड़ नहीं है, सब समझ आती है, यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, सब ड्रामाबाजी है। तो ना दें वीडियो ठीक है तरह को शेयर कर दें, चैनल को सब कैक कर दें और निशान घंटे दबाते ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।